गाइस क्या आप भी फ्लिपकार्ट में कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं? सो गाइस आज की वीडियो जो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है कि आप जो हैं फ्लिपकार्ट में कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं। सो गाइस हर बार की तरह वीडियो में आपको कुछ नया सिखाएंगे। सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो हूँ आपको अपनी कस्टमर चैट की जो हिस्ट्री है गाइस वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने गाइज इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो है कस्टमर केयर से बात करी थी और गाइज उन्होंने जो है मेरी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करके भी उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें लिखा रहा है फ्लिपकार्ट सपोर्ट, मतलब फ्लिपकार्ट जो है आप ये सपोर्ट करता है। और गाइज अब मैं आपको बता दूँ कि कस्टमर केयर से बात करने के दो तरीके हैं, जो कि गाइज आप जो हैं इन दो तरीकों का इस्तेमाल करके जो है कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। एंड गाइस दोनों ही तरीके काफ़ी आसान है। सो गाइस यहाँ पे आपको पहला तरीका आपको बता देता हूँ, आपको जाना है अपने माय ऑर्डर्स में। एंड गाइस आपको जिस भी प्रोडक्ट में आपको इश्यू या फिर जो है प्रॉब्लम वगैरह है, सो गाइस आप जो है फॉर द एग्जांपल उसके लिए जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं नीड हेल्प का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा साइड में। सो हमें जो है उस पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस क्लिक करने के बाद गाइस आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पर जो है एक ऑप्शन नहीं है, वो है रिक्वेस्ट अ कॉल का। सो गाइस हमें जो है सिंपल सा हमें टाइप करना है रिक्वेस्ट अ कॉल और गाइस हमें जो है 3 से 4 बार जो है इस मैसेज को हमें सेंड करना है। सो गाइस हमारा जो रिक्वेस्ट अ कॉल का ऑप्शन है गाइस वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों ये ऑप्शन किसी किसी के अकाउंट में जो है पहले से ही अवेलेबल होता है, किसी किसी के नहीं होता है। सो गाइस आप जो है इसे मैसेज को सेंड करिएगा 3 से 4 बार और ये ऑप्शन आराम से आ जाएगा। अगर आप कॉल पर बात नहीं करना चाहते हैं गाइस तो आप जो हैं यहाँ पर जो है आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो जो है गाइस आपका जो है रिप्लाई तुरंत देंगे एंड गाइस आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों ऑप्शन आने तक हम जो है थोड़ा वेट कर लेते हैं। फाइनली गाइस रिक्वेस्ट अ कॉल का ऑप्शन जो है हमें शो कर रहा है। सो सिंपल से जो है हम इसे क्लिक कर लेंगे और गाइस क्लिक कर लेने के बाद गाइस यहां पे आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। सो यहां पे मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा हिंदी। सो यहां पर आपको टाइम भी सेलेक्ट कर लेना है। सो यहां पे मैं नेक्स्ट 11 मिनट्स जो है क्लिक करूंगा। सो गाइस यहां पे मैंने सेलेक्ट करा 11 मिनट्स और गाइस 11 मिनट के अंदर जो है हमें कभी भी ये कॉल आ सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस आपको जो है कुछ इस तरह के नंबर पर से जो है आपको कॉल आएगा। सो गाइस ये था मेरा पहला तरीका और गाइस अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है और हेल्प सेंटर का ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेना है। फिर जो है गाइस आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका इनमें से हो सकता है तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो गाइस आप जो हैं इसे यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप जो है ब्राउज फ्यूचर के सहायता से जो है आप यहाँ पर जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उनका जो नंबर है गाइस वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जो है कॉल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।